हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। और आज का टूर होने वाला हमारा बदियाकोट में, और हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं ये हेलो अगेन और हम प्रदीप भाई हैं। हेलो। तो हम सुबह निकल गए थे 8:30 बजे करीबन, अभी 10 बजे है और सीधे मंदिर पर ले जाता हूँ। हमारे वहाँ भी पूजा है, लेकिन हमारी इच्छा थी कि बदियाकोट के मंदिर में जाएं और वहीं आज वीडियो में। और हमारे साथ आ रखे हैं भाई साहब। तो भाई साहब, कैसा लगा यहाँ पे आके आपको? रोड तो ठीक है, लगभग ठीक ठाक है। कुछ प्रॉब्लम हो रही थी आपको? अब क्या करें, पिछवाड़ों में दर्द है, में दर्द है। अच्छा, बट ठीक कर लेंगे हम। और हमारे बीच देवभूमि दर्शन प्रदीप भाई भी पहुँच चुके हैं। तो प्रदीप भाई, कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आके, कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि बता नहीं सकता मैं। अच्छा। घर से मौसम ऐसा था बिल्कुल तगड़ा वाला। हमने सोचा कि बारिश वारिश होगी, लेकिन यहाँ आके मौसम खुला है बिल्कुल। माँ के भवन में थोड़ी ही दूरी में देखो सामने है, यहाँ से हम नीचे गांव पे उतरेंगे। तो यहाँ का चौड़ा ये सॉरी बदियाकोट का गाँव है। गाँव से होते हुए यात्रा जा रही है, धीरे धीरे लोग जा रहे दिख रहे हैं, कौतक्यार जो हैं। तो थोड़ी देर में हम मंदिर में पहुंचते हैं और अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि कैसा वहां का व्यू है, आदि बद्री के दर्शन कराते हैं। तो चलो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। हेलो, सब्सक्राइब टू व्लॉग। नेट नेट से मंदिर के लिए सामान ले जाएंगे, पंचमेला अगरबत्ती इधर से ले जाएंगे, क्योंकि हम लोग वहाँ से लेके नहीं आए। भाइयों, हम पहुंच चुके हैं बदियाकोट आदि बद्री धाम पे। ठीक ऊपर है मंदिर, वहीं पे ले चलता हूँ। अभी थोड़ा हाथ मुंह धोते हैं, जूते उतार दें, फिर सीधे ऊपर ले चलता हूँ मैं आपको। भीड़ धीरे धीरे बंदे, कल पूजा है यहाँ पे। हाँ, सेकेंड हम भी लेके आते हैं, ड्रोन लेके आए नहीं यार। तो आप लोग इंजॉय करना, लाइक शेयर। हे नंदा हे गौरा कैलाशों की यात्रा, हे नंदा हे गौरा कैलाशों की यात्रा। बटीना भगीना हे नंदा भवानी, सुन भादो कुमेना सोरा से की बारी। सुफल है जाया मेरी नंदा भवानी, हे नंदा हे गौरा कैलाशों। तो हम जानने की कोशिश करते हैं बदियाकोट का इतिहास। तो हमें कुछ बुजुर्ग मिले जिन्होंने हमें इतिहास से रूबरू करवाया। दो भाई आए कि वो शिकार के शौकीन थे जी। तुम अच्छा मिर्ग देखा, उन्होंने बोला यार शिकार खेलने जाते हैं। कितने बासु में वो उसको मिर्ग के पीछे लगते रहे लगते रहे लगते रहे। एक बासा मान लिया जा कुमाऊं में बैठे होंगे,
फिर आते आते यहाँ पर इस जगह पे भगवती के खाल में नीचे नहीं नीचे अब रात हो गई, रात अंधेरा हो गया। अच्छा। जैसे अंधेरा हुआ मिल गई इसी चट्टान में, इसी मंदिर के नीचे चट्टान में छुप गया, छुप गया, अंधेरा हो गया। तो दोनों भाई ने बोला, छल्ली और बल्लू ने यार बोला, यार ये तो मैं मेरे को तो अभी अंधेरे में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तो ऊपर चट्टान में छुप गया है। तो छल्ली और बल्ली भाई जो भगवती की खाल है जहाँ पर भगवती बोलते हैं हम लोग, वहाँ पर रह गए रात को। बोला सवेरा होगा और सवेरे इसको मारेंगे, अब तो इसको तो छोड़ेंगे नहीं इस मेरे को। अच्छा। फिर वहाँ से घूम करके बोला, एक भाई इधर से जाते हैं, एक भाई इधर से करके, एक भगदाणु का पत्थर है जी थोड़ा सा, वो कहाँ पे हुआ? वो यहाँ पे, ये यहीं पर है नीचे। अच्छा जी। ये जो मकान है मंदिर के नीचे थोड़ा, तो भगदाणु का वहाँ पर मकान है, वो सॉरी वो है पत्थर है। तो वहां से वो दोनों भाई आए, आ करके मिर्गो को मारने के लिए अब तीर धनुष निशान अब तैयार किया उन्होंने जी। यहाँ पर जहाँ पर खोली है, जहाँ पर ये हम कटड़ा का बात करते हैं, खोली है इस जगह पर जो है माँ भगवती ने अपने दर्शन दे दिए। अच्छा। माँ ने दर्शन दिए, दर्शन दिए तो उन्होंने कितने हो गए, बोला अभी तक मृग था ये, अभी माता के रूप में होगी। तो उन्होंने माता के रूप में प्रणाम किया और बोला, उसके बाद लुप्त हो गई माँ। फिर रात को जो जहाँ पर चार मकान है, दो तीन मकान है, वहाँ पर सो गई दोनों भाई। बोला यार माँ माँ प्रकट हो गई, हम यहाँ से जा भी नहीं सकते, क्या देखे। तो रात को सपना हुआ दो भाइयों जी, सपने में वो यहाँ रात को ये मकानों के बाहर रहे मंदिर के नीचे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने बोला यार ये सपना तो हुआ है, लेकिन नहीं रात को सोए तो सपना हो गया। बोला मेरा मंदिर की स्थापना करनी है आप लोगों ने, मैंने दर्शन दिए हैं, और बाघ और नाग मेरा वाहन, तुमको ये मंदिर बनाने की जगह रात को सुबह बना के देगा। किलर मतलब अपनी अपनी शक्ति दिखाने का मौका आया, तो उनके बच्चे भी पैदा होते हैं छल्ली और बल्ली के, दो भाइयों के। तो बार भाई तो तब से हमारे बुजुर्ग पूजा करते हैं और माँ को पूजते हैं, और आदि बद्री इसका नाम दिया गया है, जो हमारे आदि बद्री, बद्रीनाथ का आदि नहीं, आदि बद्री, आदि बद्री, आदि बद्री के नाम से जो है हमारा ये जैसे रुपया भर कहाँ गढ़वाल में। अच्छा। ठीक है, 12 में भर है बदियाकोट में, और 8 आने में है कोट में, और 4 आने भर है कोठे में। अच्छा। ये है देवताओं का, मतलब बताते हैं पूरी हिस्ट्री, हमने तो देखा नहीं है सुना। जी जी। अच्छा अच्छा। ये जो है चलते आ रहा है, ये तो लंबी हिस्ट्री सब है। उनकी अच्छी तरह यहाँ रहे, ये खेत रहे, ये खाया, ये हुआ करिए पूरा डिटेल, बहुत लंबा वो। अच्छा। जी जी जी। बहुत लंबी हिस्ट्री, लंबी है। नहीं नहीं, आपने इतना कुछ शेयर कर दिया वही बहुत। और इतना जरूर है कि जहाँ भी माता रानी की पूजा होती है, जहाँ भी माता रानी का दरबार है, हर जगह जो है दानव वंशी जो है पुजारी, मुख्य पुजारी होता है। आप चाहे पोथी में ढूंढ लीजिए, गोट बरामरी ढूंढ लीजिए, बैछमदार में भी दानव होती है, कहीं भी हो वहाँ जो है दानव वंश का, जी हाँ दानव वंश का ही जो है पुजारी। अभी वो सवार और पटना जाते हैं उस समय का भेंट हर चीज चलाते होंगे, वहाँ से फिर जो है कटार मार से फिर लौटते डलते बकरी के साथ होंगे, वो जानवरों के साथ वहाँ से लौटते लौटते आए यहाँ पिंडारी। पिंडारी की भी नाम रखा गया, नदी ठहरी पड़ी, नदी को कैसे पार करे, बस अच्छे लिए उन्हें दम थोड़े तो नीचे की नदी ऊपर की नदी ऊपर रही। अच्छा। उन्हें बोला आप तो क्या लेना चाहता है, उन्हें बोला मैं तो आ गया लास्ट में, कुत्ता है, कुत्ता जो है ले जा इसमें, तो पिंडारी पिंडर नाम चीज़ है, पिंड से भी पड़ा। अच्छा।
और वैसे इस पिंडर नदी के बारे में एक इतिहास ये भी है जी जी, जो मैंने सुना है और पढ़ा है जी। पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान इसी पिंडर नदी पांडवों ने जो है अपने पूर्वजों का जो पिंडदान और जो उनके द्वारा जो है अपने ही भाई लोगों का जो हुआ था उसमें जो है उन्होंने लास्ट में जो पिंडदान किया वो इसी पिंडर नदी में, इसलिए जो है पिंडी नदी मतलब पिंडर नदी के नाम से जो है ये नदी हमारी। अच्छा। और बद्याकोट जो अभी हमारा नया नाम है पहले हुआ बदकोट बोलते हैं पहाड़ी में, बदकोट यहाँ माता रानी ने निशुंभ देव का वध किया था स्थान पे, शुंभ दैत्य का वध किया था सुमगढ़ में, शुंभ दैत्य का वध किया था और बद्याकोट में निशुंभ का क्या निशुंभ दैत्य का वध माता रानी ने यहाँ पर वध किया, इसीलिए यहाँ का नाम बदकोट बदकोट रहा। आज उसी का जो है सरलीकरण बोलो या परिवर्तित रूप बोलो बद्याकोट पुराना नाम हुआ बदकोट, यहाँ वो माता रानी जो है निशुंभ दैत्य का वध किया था। अच्छा, तब जो है बदकोट नाम पड़ा। जैसे पिंडर नदी के बारे में सरभू साहब ने कहा वो हकीकत है, इसमें हम नीचे को बाहर दिन की कोई अगर हमारे घर में या कोई गांव में घटना हो जाए 12 दिन की ठूठ मानते हैं। अच्छा। लेकिन हम लोग 11 दिन की इसलिए मानते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारा दोस्तों अभी आपने देखा बद्याकोट का इतिहास, बद्याकोट के मंदिर का इतिहास। अब यहां पे थोड़ी देर में चांसी लगने वाली है, वो चांसी भी आपको दिखाता हूँ, तो आप लोग बने रहना वीडियो के साथ। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। अब मैं आपको चाची दिखाता हूँ गाँव में रीति रिवाज। यहाँ पे चाची लगी है बद्याकोट में, तो आप लोग बने रहना, एंजॉय करो इस वीडियो को। हमने मंदिर का दर्शन कर लिया, मंदिर का इतिहास भी जान लिया है, और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और जो चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।